for the clothing in the tank. Let's get it. Come on. Farda, karo hype, karo hartal, farda. Cool kids ke hum sar taaj, farda. Trendsetter apna andaaz, farda, farda. Yeah, let's go. For the clothing, about to become the face of Indian streetwear. Check it out. Let's go. बचपन से ही चाहता और मैं रहते फुल स्टाइल में रहते इन ड्रिप फैशन गेम हमारा काफी स्ट्रॉन्ग पूरे आइल में नो स्किप भारत पे स्ट्रीट वेयर के आइकॉन कस्टम मेड ड्रिप लगे जैसे साइक्लोन अपस्किल पुराने कपड़े बायगॉन लगे काफी बैंग ऑन ए विद अ बोट लाइक गोट अनुपम काउंटिंग नोट नमिता कम ऑन बोर्ड ए नमिता कम ऑन बोर्ड What you waiting for? Lens can't ignore, yeah. Lens can't ignore. Hey, hey, hey. Farda, karo hype, karo hartal, farda. Cool kids ke hum sar taaj, farda. Trendsetter apna andaaz, farda, farda, yay. Well done. Well done. Hello, sharks. आई एम चाहत पाउजा और ये है मेरे पार्टनर संस्कार मिश्रा हम 21 साल के हैं नागपुर सिटी से और हम हैं द ओनर्स ऑफ फरदा क्लोथिंग द वर्ड फरदा मीन्स टुमारो इन उर्दू इट मीन्स द फ्यूचर सो वी आर द फ्यूचर ऑफ फैशन हमारी एक प्रीमियम कस्टम स्ट्रीटवेयर ब्रांड है जो स्ट्रीट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है हम दोनों ने 6 महीने पहले अपने इस पैशन को इस बिजनेस में कन्वर्ट किया हम अपनी सिटी नागपुर के पाइनियर्स हैं हम इंडिया की टॉप स्ट्रीट वेयर ब्रांड बनना चाहते हैं और इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सो फॉर अस टू रीच आवर ड्रीम वी आर ऑल आस्किंग फॉर जस्ट 30 लाख फॉर 10% ऑफ स्टेक इन आवर कंपनी वेल डन ग्रेट प्रेजेंटेशन यार मजा आ गया थैंक यू सो मच संस्कार यहाँ जो आपके प्रोडक्ट्स है ये हैंड पेंटेड है मोस्ट ऑफ दीस या तो आपका यूएसपी क्या है मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पहला पॉइंट हम कस्टमाइजेशन करते हैं अ कस्टमर विल कम टू मी तो वो मुझे बताएंगे मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए जो मेरे कपड़ों पे रिफ्लेक्ट करे आप ये आउटफिट देख रहे हैं ये शार्क टैंक को सोच के बनाया गया है सी देयर इज दिस शार्क जो एंड ये फिश नेट है जो शार्क चीर फाड़ के बाहर निकलना चाहती है बट ये नहीं निकल पाती है एंड देन ये एक शार्क है वो पैसों के बैग के साथ डील क्लोज कर लेता है सो ये सोच के हमने ये आउटफिट को डिजाइन किया है एंड सेकंड ये कस्टमाइजर जो सबको करा नहीं सकता बिकॉज हर किसी की पर्सनल चॉइस है हम ऐसे क्रिएटिव डिजाइन भी बनाते हैं जो एक बड़ी ऑडियंस को वो करे जैसे मैंने जो पहना है जो संस्कार ने पहना है ये एक क्रिएटिव डिजाइन है जो ज्यादा मास प्रोडक्शन में बना सकते हैं ये हमारी हाफ एंड हाफ टी शर्ट है जो हमने अभी लॉन्च किया है बट स्ट्रीटवेयर फैशन ये मास बन सकती है या अभी भी नीश है नहीं ये बिल्कुल भी नीश मार्केट नहीं है हमारे पास बड़े से लेकर बच्चों तक सब लोग हमसे परचेज करते हैं कहाँ से बनवाते हो ये नागपुर से हमारी सिटी से बेचते कहाँ इंस्टाग्राम पे हमारी मेजर सोशल प्रेजेंस है क्योंकि जेन जी जो है वो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है आज की डेट में जिसके थ्रू हम पैन इंडिया डिलीवर करते हैं कितना सेल्स हुआ अभी तक सेल्स 1.3 लाख तो देखा जाए तो ये पूरी सेल जो हमने किया है ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में हुई है बुरा मत मानिए बट 1.25 लाख की सेल में जी तो आपको अपॉर्चुनिटी ही कहाँ मिला ब्रांडिंग करने का भी तो अभी तो ब्रांड आपके दिमाग में है सामने कस्टमर के लिए तो नहीं है हमें प्रूफ करने का मौका नहीं मिला कोविड के कारण हमें अप्रूव करने का सिर्फ पहली बार मौका मिला जो यहाँ से सिर्फ 14 दिन पहले था हम पहली बार कस्टमर्स के सामने गए फिजिकली एंड हमने 40,000 इन सेल्स किया 40,000 इन सेल कोई बड़ी चीज नहीं है ये अर्ली स्टेज पे और आपने इनका जवाब इस तरह से देना चाहिए कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है कस्टमाइजेशन एग्जैक्टली जो बड़ी चीज है आजकल बच्चों को चाहिए पर्सनलाइज्ड चीज है सर फैशन में बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल होता है जो वो जैकेट आप देख रहे हैं वो पूरा सस्टेनेबल फैशन से बना है एंड वो जो जीन्स है वो एक ट्राइबल आर्ट से बनी है जो इंडियन फ्यूजन है उसमें रनिंग स्टिच है जो एक इंडिया का आर्ट है जो पेसली है वो इंडिया का आर्ट है वो हम वो सब उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं कि उसमें स्ट्रीट वेयर ब्रांड सारी बाहर से है जितनी भी है बट इंडिया का कहीं भी वहाँ पे नाम नहीं है सो इंडियन टच भी ला रहे हैं एग्जैक्टली निकाल के ले आओगे डेफिनेटली We want you to wear our clothes. Just try it on if you want. आप जरा try करके आएंगे थोड़ा सा देख मैं मना I think आप पे काफी suit करेगा यार ये आपकी personality यार मैं पहन लूँगा तो यार उल्लू लगूँगा
नहीं बट ये कस्टमाइज्ड पीस, ये हमारी एक फ्रेंड के लिए बनाया गया था, उनकी जो राइफल है वो ओलंपिक्स के लिए ट्राई कर रही है, हमने एग्जैक्टली उसे हैंड पेंट किया ओलंपिक्स के लिए ट्राई कर रही है राइफल का, यहाँ एग्जैक्ट वहाँ पे उनका नाम है ताकि पर्सनलाइजेशन दिखे एंड पीछे हमारी ब्रांड का नाम है। ये पेंट उतरता तो नहीं है? नहीं पेंट नहीं उतरता, देयर इज अ प्रोसेस जिसके पीछे वो जाता है। सर आप वो जैकेट भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं जैकेट ट्राई करते हैं, चलो जैकेट ले। ये एक आर्टिस्ट ने रात भर बैठ के बनाया है, सही लग रहा है आपे। It looks cool. ये patches बहुत अच्छे हैं आपकी, जो आप patches use कर रहे हैं, वो base material से बने हैं। हम jeans बनाते हैं, उसे बेचते हैं, and जो कपड़ा बच जाता है, उससे और महंगा jeans बनाते हैं। ये कितने की बेचोगे? ये 2800 की बिकी है। बनाने में कितना cost आया? बनाने में 1200। बट बहुत महंगा बना, मार्जिन भी कुछ नहीं है। मार्जिन फिर भी 150% के अराउंड है, 130%। एंड जैसे ही हम बल्क में लेंगे वो मार्जिन उसकी बढ़ जाएगी और ज्यादा। अभी मुझे लग रहा है कि ये आपकी थोड़ी हॉबी टाइप की है। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इसको स्टैंडर्डाइज करके स्केल कैसे करके बिजनेस कैसे बनाएंगे, क्योंकि कस्टमाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है। Exactly. हम कस्टमाइजेशन का प्राइस बढ़ाएंगे एंड जो बाकी कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उन तक लेके जाएंगे। स्केल करने के लिए हम प्रीमियम डिजाइंस यूज करेंगे एंड उसको बल्क में बनाएंगे ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए बहुत जल्दी कम कॉस्ट में। एंड सर मेरे पास एक आर्टिस्ट की टीम है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स साथ में बना सकते हैं। मैं सब लोगों से कांटेक्ट में हूं बट मैं सबको अभी हायर नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस लेवल तक उस काम को बढ़ा पाऊं। पर वो स्केलेबिलिटी के जितने भी मेजर्स है जो हमको लेने चाहिए, वी हैव डन ऑल ऑफ दैट। फैशन में पता है प्रॉब्लम क्या होती है? एक लेवल तक आप सस्टेन कर पाते हो, उसके बाद ना रिटर्न्स की बहुत बड़ी इशू होता है, आपको पता है ये बात? सर आई थिंक वो इसलिए होता है बिकॉज लोग क्रिएटिव होना भूल जाते हैं। नहीं बट आपका जो इन्वेंटरी होती है वो फंस जाती है। हां अमन क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि आपको ये टारगेट मार्केट पता है ना? पता है, लेकिन मेरे को पता है फैशन में बहुत लोग कम लोगों ने पैसा बनाया है। फर्स्ट सेकंड कस्टमाइज फैशन बहुत टफ, ये ना एक नीश ऑडियंस होती है। मैं दो बार वो जीन्स पहनूंगा, उसके बाद तीसरी बार मैं सेम जीन्स भी पहनना नहीं पसंद करता। मेरे को लगता है कि अभी आप इस इंडस्ट्री के ग्लैमर से ड्रिवन, आप बिजनेस से ड्रिवन नहीं है, तो इस कारण से मैं एटलीस्ट आउट हो रहा हूँ। Okay, well respected. Thank you, sir. मैं अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा primarily because अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये अपैरल में। जी, thank you, sir. चार संस्कार ऑफर देने के मैं इतना पास हूँ, मेरे को खाली यही डाउट आ रहा है कि आप लोग एक तो बहुत यंग हो जी, और दूसरा क्या करोगे? दुकानें खोलोगे, ऑनलाइन जाओगे, ऑफलाइन जाओगे, टेक्नोलॉजी में जालोगे? सर ऑब्वियसली सिंस अगर आप मार्केटिंग की बात करो, हम कैसे इसको स्केल करेंगे, इट विल बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल द थिंग्स। इमीडिएटली एक स्टोर डालना इज नॉट आवर गोल। हम लोग ऐसी चीजों से शुरू करेंगे जिसमें हमें मिनिमल कॉस्ट लगे और जितना मैक्सिमम रीच हो। पर आपको बताऊं, हर चीज का आंसर होना भी जरूरी है। आपके साथ बहुत सारे आंसर गलत चल रहे हैं, मतलब मेरे को तो जितना आप आंसर करते हो गलत लगता है, लेकिन मेरे को आप लोगों पे ना मन कर रहा है बैठ लेने का। तो आप भी करना चाहते थे ना? हाँ जी मैडम। आपका क्या डिसीजन है अनुपम? मैं भी अपना माइंड बना रहा हूँ। अच्छा, आप इंटरेस्टेड हैं? पर अभी मतलब इंटरेस्टेड कैसे नहीं होंगे यार, इनका तालमेल देखिए आप। वो पहले से ही जानती है कि ये क्या सोच रहे हैं, वो शुरू करते हैं सेंटेंस वो कंप्लीट करती है। इनमें तो सब आदमी इंटरेस्ट लेगा, हर आदमी दिलचस्पी लेगा। ठीक है, तो हम आपको ऑफर देते हैं, मैं और फार्मा जो हम इन्हें प्यार से फार्मा बुलाते हैं, माँ, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री की माँ है। आपके पास ही है ना शेयर होल्डिंग? जी जी जी, पक्का? कंप्लीट, ऑब्वियसली 100%। जी जी पूरी। वी वुड लाइक टू ऑफर यू 30 lakhs बट फॉर 30%। एंड द रीजन इज के बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, आपकी सेल्स अभी से 1.3 lakhs है, तो क्या यू नो प्री डिजाइंड होगा, कितना कस्टमाइज होगा, क्या ऑफलाइन होगा, क्या ऑनलाइन होगा, हमारा बहुत टाइम जाएगा इसमें। मैं भी आपको ऑफर करने वाला था, मेरे को खुद की अपनी याद आ गई जब मैं 21 साल का था, कुछ करना चाहता था लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाता था मैं क्या करना चाहता था। लोग मुझे भी पूछते थे मार्केट साइज, मैं बिल्कुल बौखला जाता था। तो वो मैं समझ रहा हूँ कि आप अभी तक क्रिएटिविटी पे फोकस है, लेकिन क्योंकि इन्होंने आपको ऑफर किया है और क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं अपना ऑफर नहीं दूंगा। तो आप बताइए आपका डिसीजन क्या है? Is that the final offer that we have? Yeah, yeah, you can do a count. We would like to just take our time to talk. Please take it. Thank you. Did you notice the sheen in her material?
these kids understand design. I know. अपन को बोलते हैं सर, please understand that हमें आगे और पैसा बढ़ाना पड़ेगा. Exactly. मैंने बहुत customized चीजें देखी हैं, पर इनका quality, look at that fellow's thing. नहीं नहीं सही है. It's अलग stunning. है. And even the patches are beautiful. We are paying for the design. हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आएं, क्योंकि हमको एक मेंटर की बहुत जरूरत है. दिस इज आवर चाइल्ड एंड हमको आगे भी फ्यूचर में फंडिंग रेस करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी हमको एक स्कोप चाहिए. सो हम चाहते हैं कि आप हमें ये डील 20% पे दे. मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं परसेंटेज का ना डिस्कशन भी नहीं करना चाहता था, बिकॉज इट इज मोर फॉर सपोर्टिंग यू गाइस. सो वी आर रेडी टू, बट परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. आई थिंक 30% इज वेरी जेनरस. ठीक है, मैं अकेले करता हूँ. Done. We would go for that offer. Let's do it. Let's go. We got the deal. Congratulations. Thank you so much. Can I have a picture with you guys? Yeah, absolutely. Sure. Yes. Let's go. Hey, you know what? I changed my mind. I'm coming with you. Come. That's perfect. I want to feel young too. Thank you. Come, guys. Congratulations. Good luck. Thank you so much. Well, that's good. That's good, guys. Absolutely. Let's go. अब शार्क टैंक में आए हो कि शार्क टैंक अंदर एक इंसान भी बैठा है. शार्क भी बनेंगे, लेकिन ये पैशन भी के लिए इंपॉर्टेंट है. यंग टैलेंट को सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है. बॉट जब पैदा हुआ था ना, वो कल्ट था. लोगों ने मुझे बोला था, अबे हेडफोन ब्रांड है, क्या कर लेगा, काले काले हेडफोन बिकते हैं, तेरे लाल पीले नीले क्यों बिकेंगे. अब जब ये कल्ट बनेगा ना, तो हम सब भी ये पहनेंगे. तो ये फर्क पड़ता है थोड़ा.